इस दुनिया में कोई भी ऐसा मुकाम नहीं है जिसे इंसान हासिल नहीं कर सकता। अगर इंसान किसी भी मुकाम को पूरी शिद्दत से हासिल करने का ठान लिया तो वो उसे हासिल करके ही छोड़ता है। और ये सब हासिल करने में इंसान के लिए सबसे जरूरी है वक्त का सही तरीके से सही कामों में इस्तेमाल करना। इस दुनिया में हर किसी के पास 24 घंटे यानी 1440 मिनट है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो जाएगी, और जो इसका सही इस्तेमाल नहीं करेगा वो बस वही के वही रह जाएगा। कई लोग इसी 24 घंटे में दिन रात एक करके IAS IPS या फिर साइंटिस्ट बनकर अपनी ज़िंदगी बदल देते हैं, और कई लोग इसी 24 घंटे में IAS IPS बनने की बस सपने ही देखते रहते हैं और अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं। वक्त किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा कर जाता है। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ जैसे कि पैसा, धन दौलत, गाड़ी बंगला एक बार चला गया तो दोबारा वापस आ सकता है, लेकिन वक्त एक बार चला गया तो दोबारा कभी नहीं आता। इसलिए एक सेकंड को भी बर्बाद मत करना, उसका सही इस्तेमाल करना, क्योंकि हर एक सेकंड का कीमत बहुत ज़्यादा है। आज इंसान की सबसे बड़ी परेशानी है बिना मतलब के मोबाइल चलाना, लोगों के साथ चैटिंग करते रहना, और ये फालतू के सोशल मीडिया पर घंटों टाइम बर्बाद करते रहना। जितना टाइम तुम ये मोबाइल चलाने में बिताते हो उतना टाइम अगर तुम पढ़ाई में लगाते तो आज IAS IPS बन गए होते। और जितना टाइम तुम अपने प्यार को बचाने में लगाते हो उतना टाइम अपने मंजिल को पूरा करने में लगाते तो आज तुम्हारा प्यार तुम्हारे पीछे घूम रहा होता। इसीलिए ये टाइम वेस्ट करना बंद करो और अपने टाइम को हमेशा अच्छे कामों में लगाओ। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जो अपने काम को कल पे छोड़ देता है उसके पास अफसोस के अलावा और कुछ नहीं होता, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। किसी भी काम को करने का सबसे अच्छा टाइम आज इसी वक्त है, और उससे भी अच्छा टाइम कल था जो तुम गवा चुके हो। टाइम की वैल्यू चींटी से बेहतर और कोई नहीं बता सकता, क्योंकि चींटी कभी रुकता नहीं है, वो बस हमेशा अपना काम करता रहता है। समय का परीक्षा कठिन जरूर होता है, लेकिन बाद में उसका परिणाम भी आपके हाथों में होता है। इस दुनिया में जिस व्यक्ति के पास समय के बारे में समझ है उससे और लकी इंसान कोई भी नहीं है, क्योंकि अक्सर जब समय होता है तब समझ नहीं होती, और जब समय आती है तब समय निकल चुका होता है। समय को सही वक्त पर समझ जाओ, वरना वक्त एक बार बीत जाने के बाद कदर की जाए तो उसे कदर नहीं अफसोस कहा जाता है। किसी ने क्या खूब कहा है, सही दिशा और सही समय का ज्ञान हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो चींटी की तरह वक्त के साथ दिन रात मेहनत करना सीखो, और अपने मंजिल को हासिल करने तक लगातार अंतिम समय तक संघर्ष करते रहो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।